आज मैंने एक ऐसी फिल्म देखी है जिसका नाम है अकेली, और इस फिल्म के साथ थिएटर भी अकेला पड़ गया है। कहीं भी कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी और फिल्म भी गदर 2, ओ माय गॉड 2, ड्रीम गर्ल 2, इन बड़े बड़े फिल्मों के सामने ये फिल्में नजर भी नहीं आती। कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता भी नहीं चलता। खैर छोड़ो, बाकी फिल्म की तो इस फिल्म के लीड रोल में नुसरत नजर आ रही है और इसकी रन टाइम है 2 घंटे 10 मिनट के आसपास। कहानी है ज्योति नाम की एक लड़की की जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और फैमिली की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों में है। वो नौकरी ढूंढ रही होती है पर कहीं भी मिल नहीं रही होती है, मगर एक जॉब मिलती है वो भी इराक में, इसलिए वो मजबूरन इराक जाती है और वहाँ जाके फंस जाती है एक ऐसे सिचुएशन में जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। ऐसे में ज्योति नामुमकिन को कैसे मुमकिन बनाती है और कैसे वहाँ से बच के इंडिया आती है, जाने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। फिल्म की भाषा काफी अच्छी है, एंगेज करके रखती है, कहीं भी बोर नहीं करती। फिल्म के शुरुआत में ही एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है जिसमें एक छोटी सी बच्ची के ऊपर बम लगाया गया होता है। वो सीन देख के सच में मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। फिल्म के अंदर नुसरत ने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है, ये सच में बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। पता नहीं क्यों ड्रीम गर्ल 2 में इन्हें नहीं लिया गया। वैसे सेकंड हाफ में जो कुछ देखने को मिलता है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। ज्योति जिस तरह आतंकवादियों के चंगुल से निकल जाती है वो बिलीव करना मुश्किल था, बहुत ही आसानी से निकल जाती है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता, ये थोड़ा अजीब लगता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाए होते तो देखने में मजा आता, पर कोई नहीं, एक बार तो देख ही सकते हैं। मैं तो एक बात बताना भूल ही गई, फिल्म के अंदर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और इराकी लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया है, पर नीचे हिंदी में लिख भी दिया गया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म।